राहुल और ईशानी बचपन से दोस्त थे। ईशानी की गैर मौजूदगी में राहुल उसकी बहन अंजलि के करीब चला गया, क्योंकि अंजलि देखने में ज्यादा हसीन थी। राहुल अंजलि से शादी कर ली, उसके दो बच्चे भी हो गए। दूसरी ओर ईशानी का दिल टूट गया था, वह शहर छोड़कर चली गई। 6 साल बाद ईशानी को पता चला कि अंजलि की मौत हो गई है। वह बिल्कुल टूट गई। बच्चों की देखभाल के लिए वह दोबारा उस शहर में आ गई जहाँ न आने की कसम खा रखी थी, और वहाँ जाकर उसकी मुलाकात हुई राहुल से। राहुल को देखते ही उसे कुछ कुछ होने लगा है, पर वह खुद को संभाल लेती है क्योंकि वह अब उसका दोस्त नहीं बल्कि उसकी बहन का पति है। वह अपने शहर वापस चली जाती है। राहुल किसी काम से उस शहर में आता है और ईशानी को सोहन के साथ देख लेता है। उसे जलन होती है, वह ईशानी के बिल्कुल करीब आ जाता है। आगे कहानी राहुल की जुबानी। मैंने ईशानी से पूछा, बताओ क्या लगता है वह तुम्हारा, क्या उसके साथ हो? मेरी पकड़ उस पर मजबूत हो गई थी। मैंने उसके दोनों बाजुओं को पकड़ लिया था, उसे दीवार से सटाकर उससे बिल्कुल चिपक गया। मेरी नजर उसकी गुलाबी होंठों पर थी, दिल में गुस्सा और जलन की आग। मेरे होंठ उसके लबों को चूमने ही जा रहे थे तभी उसने कहा, यह मेरा सबसे खास दोस्त है, मेरे दिल में खास जगह रखता है जो कभी तुम्हारे लिए थी। तभी मुझे ध्यान आया, यह लड़की मेरी पत्नी नहीं बल्कि मेरी साली है। एक पल भी वहाँ रुकना ठीक नहीं समझा, मैं वहाँ से निकल गया। अंजलि को गुजरे हुए 3 महीने हो गए थे। ईशानी रोज मेरी बच्चियों को वीडियो कॉल करती थी, पर मेरी उससे कोई बात नहीं हुई थी। मैं ईशानी की जिंदगी में दखलंदाजी नहीं करना चाहता था। वह मुझे अपना दोस्त नहीं मानती, उसके दिल में मेरे लिए वह खास जगह नहीं है, पर फिर भी मुझे उससे मिलना था अपने बच्चों के खातिर। आज मैं शहर में आया हुआ था। मैं ईशानी के घर की डोर बेल बजाई। ईशानी ने जैसे ही दरवाजा खोला मुझे देखकर चौंक उठी, कहने लगी, राहुल तुम? उसके हाथ में पेंट लगा हुआ था, शायद वो पेंट कर रही थी। एक छोटी सी शॉर्ट टॉप और पैंट पहनी हुई थी, उसका पेट नजर आ रहा था। तभी मोबाइल में घंटी बजी, मैंने देखा तो ईशानी मुझे कॉल कर रही थी। मैंने फोन काट दी, कहा, ईशानी क्या बात है, मुझे कॉल क्यों कर रही थी? उसने कहा, राहुल। मैंने कहा, क्यों कॉल कर रही थी? उसने कहा, मैं नहीं चाहती तुम मुझे छोड़कर यूं चले जाओ, हमारे बीच का झगड़ा कब से अधूरा है। मैंने कहा, हम झगड़ा नहीं कर रहे हैं। उसने कहा, पर हमारे बीच में शांति भी तो नहीं है। मैंने कहा, तो क्या तुम मुझसे फिर से दोस्ती करना चाहोगी? उसने कहा, नहीं। मैंने कहा, ठीक है। उसने पूछा, फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने कहा, अगले हफ्ते बच्चियों का बर्थडे है, मैं तुम्हें इनवाइट करने आया हूँ, बच्चियाँ तुम्हारे लिए ग्रीटिंग कार्ड बनाई हैं। यह सुनकर वह खुश हो गई, खिलखिलाकर हंसने लगी। मुझे अंदर बुला लिया और बच्चियों का बना हुआ ग्रीटिंग कार्ड देखने लगी। तभी मेरी नज़र उसके घर में कुछ पेंटिंग पर पड़ी, वह अपने पेंटिंग का काम कर रही थी। नाम पढ़कर मैं चौंक उठा, पी मुखर्जी। मैंने कहा, पी मुखर्जी तुम हो? उसने कहा, मेरे बीच वाला नाम पी से है, ईशानी प्रिया मुखर्जी। मैं उसकी आंखों में देखने लगा था, उसकी पेंटिंग कब से खरीद रहा हूँ, कब से मुझे नहीं मालूम था, जिसकी पेंटिंग मैं इतनी पसंद करता हूँ वह ईशानी की है। मैं उसकी आंखों में देखने लगा था, पर समझ नहीं पा रहा था उसके मन में क्या चल रहा है। वो मुझे जिस तरह से देख रही थी मैं उसके मन को पढ़ नहीं पा रहा था, क्या वह मुझसे अब दोस्ती नहीं चाहती? उससे बात करके मैं जाने ही लगा था कि अचानक उसके करीब चला गया, जाने एक पल के लिए मुझे क्या हो गया। मैंने उसे अपनी बाहों में ले लिया, वह हैरत से मुझे देख रही थी। मैंने कहा, हम दोनों अब ठीक है ना? अंदर से मेरा दिल टूटा जा रहा था, मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसने हाँ में सिर हिलाया। मैंने कहा, थैंक यू, कहकर मैं निकल गया। कहानी ईशानी की जुवानी। जुड़वा बच्चियों का बर्थडे था, यह बर्थडे वो अपनी माँ के बिना ही बिताने वाली थी। मैं अपना सारा सामान पैक कर ली थी, 3 दिनों तक मैं उसके साथ रहने वाली थी ताकि माँ की कमी महसूस न करे। जब मैं एयरपोर्ट पर पहुंची, बाहर निकलते वक्त किसी ऐसे चेहरे पर मेरी नजर पड़ी कि उसे देखते ही रह गई। खूबसूरत नीली आंखें, मजबूत शरीर। जब चल रहा था लड़कियां घूम घूम कर देख रही थी, पर वह फोन पर किसी के साथ लगा हुआ था। राहुल यहाँ क्या कर रहा है? मेरे पास आकर मेरे सूटकेस को ले लिया, कहने लगा, हाय। मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं खड़ी खड़ी सोचने लगी, तो उसने कहा, चलना नहीं है क्या? मैंने कहा, राहुल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अकेली जा सकती हूँ, तुम्हें मुझे लेने आने की जरूरत नहीं थी। उसने कहा, ताकि तुम फिर से होटल जा सको मेरे घर में आने से पहले, वह नहीं होने वाला। मैंने कहा, क्या नहीं होने वाला?
उसने कहा, तुम होटल में नहीं रुकने वाली? मैंने कहा, लेकिन फिर मैं कहाँ रुकूंगी? उसने कहा, मेरे घर में। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। मैंने कहा, लेकिन? उसने कहा, लेकिन नहीं, इस बार तुम मेरे घर पर ही रुकोगी और मेरे घर पर ही खाना खाओगी। मुझे ऐसा झटका लगा, मुझे पता नहीं चला। मैं पीछे की ओर चल रही थी और पीछे कार से आकर टकरा गई। मैंने बड़े प्यार से कहा, राहुल, मैं उसे वजह बताना चाहती थी कि मैं उसके साथ नहीं रुकना चाहती, पर मेरे मुंह से कोई भी आवाज नहीं निकल रही थी। राहुल ने कहा, ईशानी, मैं चुप थी, मैं उसे क्या बताती? हम दोनों के बीच में किस होते होते रह गया था। जब मेरे करीब आ जाता है, खुद को रोक पाना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, पर वह मेरी बहन का पति है। हमारे बीच में कुछ भी ऐसा वैसा नहीं हो सकता, भले ही आज मेरी बहन इस दुनिया में नहीं रही। राहुल ने फिर से मेरा नाम लिया, ईशानी प्लीज रुक जाओ, नहीं तो लड़कियों को गर्मियों की छुट्टी में तुम्हारे घर नहीं भेजूंगा। यह सुनकर मैं चौंक उठी, कहीं क्या? उसने कहा, मैं मजाक कर रहा हूँ, प्लीज तुम बच्चियों के साथ 2 महीने रहने को तैयार हो, पर मेरे घर पर उनके साथ क्यों नहीं रह सकती? मैंने कहा, बच्चियाँ प्रॉब्लम नहीं है। उसने कहा, तो कौन है बताओ? मैं कहकर मेरे पास आ गया। मेरी सांसें रुकने लगी, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा था। हमारे होंठ एक दूसरे से दूर थे, फिर भी मेरे अंदर एक आग सी लग गई थी। एक पल के लिए उसे छूने का मन कर रहा था। मैं अपने आप को समझा रही थी, यह तुम्हारे बहन का पति है, पर बहुत हैंडसम है, मैं खुद को कैसे रोक पाऊंगी? मैं अपने जज्बात कैसे राहुल को छुपा पाऊंगी? अगर उसे पता चल गया तो? वो जवाब का इंतजार कर रहा था। मैंने कहा, नहीं। उसने कहा, फिर तुम मेरे साथ चल रही हो। राहुल के घर 2 दिन बड़ी ही मुश्किल से बीते थे। इस बार राहुल से बच पाने का कोई उपाय नहीं था। मैं जहाँ जहाँ जाती वो मेरे पीछे पीछे आ जाता। मैं बच्चों के साथ जो कुछ भी करती वो शामिल हो जाता। मैं बच्चों के साथ बैठकर कार्टून देख रही थी कि राहुल वहाँ भी आ गया। वह बिल्कुल मेरे पास आकर बैठ गया, अचानक मेरे पैरों को उठाकर अपने पैर के ऊपर रख दिया। मेरी हालत खराब हो गई, वह मेरी जान पर हाथ फेरने लगा। मैं बिल्कुल अपनी जगह पर जम गई थी। मैंने अपना पैर उसके ऊपर से हटाने की कोशिश की, पर उसने इशारा किया कि यहीं पर अपने पैर रखो। राहुल मुझसे वही पुरानी वाली दोस्ती चाहता था, पर मेरे दिल में उसके लिए अभी फीलिंग्स थी। मैं उसे दिखाना नहीं चाहती थी। राहुल खुद ही नहीं जानता था कि वह मुझ पर क्या असर डालता है। देखते ही देखते बच्चों का बर्थडे आ गया। हैरत की बात यह थी, इस बार राहुल के मम्मी पापा, उसकी कजिन बहनें मेरे साथ अच्छा बर्ताव कर रही थी, जो कि मुझे बहुत ही अजीब सा लगा था, क्योंकि जब तक राहुल अंजलि के साथ था, यह लोग मुझसे बहुत खराब बर्ताव करते थे। आखिर क्या वजह हो सकती है? एक एक करके ढेर सारे मेहमान आ चुके थे, कई सारी औरतें थी जो राहुल के आसपास थी। मैंने पिया से पूछा, यह सारी औरतें कौन हैं जो यूं राहुल के आसपास घूम रही हैं? वह अपना काम करते करते कहने लगी, ज्यादातर लड़कियां सिंगल मॉम हैं जो बच्चियों के साथ प्ले स्कूल में पढ़ती हैं। सारी औरतें राहुल के करीब थी। अब जब मेरी बहन नहीं रही तो लड़कियों को लगता है कि इनका चांस है। राहुल भी अब मिस्टर सिंगल है। तभी एक लड़की जो कि मेरी बहन की दोस्त थी वहाँ पार्टी में आ गई। राहुल के साथ मुस्कुरा कर बातें कर रही थी। पिया कहने लगी, मैं नहीं चाहती राहुल इनमें से किसी को शादी करके घर ले आए। इससे तो अच्छा है कि वो तुमसे शादी करके घर ले आए। इस बात से हम दोनों हंसने लगे। तभी राहुल मेरे पास आ गया, कहने लगा, किस बात पर तुम दोनों हंस रही हो? मैंने कहा, हम तुम्हारे बारे में बातें कर रहे थे। राहुल ने कहा, अच्छा, मेरे पीठ पीछे मेरे बारे में बात कर रही हो? मैंने कहा, मैं उन औरतों के बारे में बात कर रही थी जो तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। तभी राहुल मेरे पास आ गया, मेरा हाथ पकड़ लिया, खींचता हुआ मुझे डांस फ्लोर में लेकर जाने लगा। मैंने कहा, राहुल क्या कर रहे हो? उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ डांस करना चाहता हूँ। सारी औरतें मुझे देखने लगी थी। मैंने कहा, तुम मुझे इन सबका दुश्मन बना दोगे। यह सारी लड़कियां तुम जैसे हैंडसम सीईओ को चाहती है, उनसे बचने के लिए तुम मेरा इस्तेमाल यूं नहीं कर सकते। उसने मुझे अपने करीब खींच लिया, मेरे कमर में हाथ रखकर डांस करने लगा था। राहुल मेरे कान के बिल्कुल पास आ गया, कहने लगा, सॉरी स्वीटहार्ट, पर देखो मेरी दोनों बच्चियां बेला और पिंकी भी कितनी खुश हैं। वह कह रही हैं, डैडी मासी के साथ डांस करो। धीरे धीरे एक एक करके लोग पार्टी से जाने लगे थे। अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब मैं उठी तो मेरे कमरे में एक अनजान आदमी को देखकर घबरा गई। राहुल मेरे सामने ही खड़ा था। मैं बड़ी बड़ी आंखें करके उसे देखने लगी थी। उसने कहा, ये हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, तुम बेहोश हो गई थी, तुम्हें देखने आए हैं। मेरा टेस्ट करवाने के लिए उन्होंने ब्लड भी ले लिया था।
पर मैं बच्चों को लेकर गर्मी की छुट्टी में अपने साथ ले जाने वाली थी। क्या इस हाल में वह मुझे जाने देगा? जहां मैं खुद ही बेहोश हो जा रही हूं, वहां मैं बच्चियों का ख्याल कैसे रख पाऊंगी? और मेरी सोच सही निकली। राहुल ने कहा, तुम इस हाल में बेला और पिंकी को तुम्हारे साथ नहीं भेज सकता, वह बहुत छोटी है। यह सुनकर मेरा दिल बैठ गया था। मेरे चेहरे में उदासी छा गई। मैंने कहा, पर अंजलि हर साल गर्मियों की छुट्टियां मेरे साथ ही बिताती थी ताकि तुम थोड़ा रिलैक्स करो, बच्चे से थोड़ा आज़ादी मिल सके। यह बात सुनकर राहुल अचानक गुस्सा हो गया। कहने लगा, मैंने कब बच्चों से आज़ादी मांगी? मुझे तो अपने परिवार के साथ ही अच्छा लगता है, लेकिन मैं बच्चों को और अंजलि को कभी नहीं रोका था, क्योंकि वह तुम्हारा भी परिवार है। 6 साल से मुझे कोई ब्रेक नहीं मिला और तुम भी मेरे साथ ही रहोगे इन गर्मी की छुट्टी में। कहानी राहुल की जुबानी। मैं ईशानी और बच्चों को लेकर पहाड़ों में आ गया था। यहाँ का मौसम काफी ठंडा ठंडा था। पूरे 2 महीने हम साथ रहने वाले थे। मेरी बहन नीलम यहाँ रहती थी। उसके घर के सामने लेक बना हुआ है। हम कभी लेक में जाते, कभी उनके जानवरों के साथ बच्चे मस्ती करते। नीलम का परिवार काफी बड़ा था। ईशानी उसके साथ बातें कर रही थी। काफी हंसी की आवाज आ रही थी। मैं उसकी ओर देखने लगा, फिर उसके पास आ गया। कहा, क्या बातें चल रही है? नीलम ने कहा, ईशानी को यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। वह कह रही है कि वह ऐसे ही किसी बड़े घर में शादी करेगी और यूं शहर से दूर पहाड़ों में रहेगी। यह बात सुनकर मुझे झटका सा लगा। कहीं इसने कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं बना लिया? वह शादी कैसे कर सकती है? मैं सीधे ईशानी की आंखों में देखा। कहने लगा, कोई है क्या तुम्हारी जिंदगी में? उसकी आंखें मुझ पर टिक गई थी। जाने क्या सोच रही थी मेरी नजरें। एक बार उसकी आंखों पर तो कभी उसके होठों पर थी। भी उसके मोबाइल में फोन आने लगा। मैंने देखा तो सोहन का कॉल था। वो दूसरी जगह चली गई थी। हंस हंस के सोहन से बात कर रही थी। यह देखकर मेरा दिल जला जा रहा था। कभी ऐसे वह मेरे साथ बात किया करती थी, जाने हमारे बीच में यह कैसी दीवार है जो खड़ी हो गई थी। मैं उसकी दोस्ती खो बैठा हूँ। नीलम मुझे देख रही थी। कहने लगी, यूं जलन अच्छी बात नहीं है मेरे भाई। मैंने कहा, मुझे जलन नहीं हो रही है। उसने कहा, तुम उसके साथ किसी और को नहीं देख सकते, फिर भी तुम्हें जलन नहीं हो रही है? मैंने कहा, मुझे सोहन इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि कभी मैं ईशानी का बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था, पर आज वह है। वह उसके साथ हंसती है, खुश रहती है। उसने कहा, फिर ईशानी किसी और के साथ भी रहे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना? मैंने गुस्से से कहा, नहीं। तभी वह बात करके हमारे पास आ गई। मैं पहले गुस्से से देख रहा था, लेकिन फिर उसे देखकर मुस्कुराने लगा। मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया था। मैं हर वक्त उसके पास रहना चाहता हूँ, उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाता। मैं उसके गालों को, उसके जिस्म को छूना चाहता हूँ, उसे अपनी बाहों में भरना चाहता हूँ। अगर ईशानी को पता चल गया मैं उसके बारे में ऐसा सोचता हूँ तो वह मुझसे भागने लगेगी। अभी 1 साल भी नहीं हुए हैं मेरी पत्नी को गुजरे हुए। मैं उसे मिस करता हूँ, तो फिर किसी दूसरी औरत के लिए मेरे मन में ऐसी फीलिंग्स क्यों आ रही है? अभी ठीक तरह से एक रिश्ते से उभर भी नहीं पाया हूँ। किसी दूसरी औरत को अपनी जिंदगी में नहीं ला सकता, खासकर अगर वह मेरी पत्नी की बहन हो तो। क्या मैं पागल हो गया हूँ? अगर यह बात ईशानी को पता चल जाए तो वह मुझसे नफरत करेगी। इसी झुंझलाहट में मैं चाय का कप पटक दी। ईशानी मेरी ओर देखकर बिल्कुल चौंक उठी। उसे गुस्से से घूरता हुआ मैं अपने कमरे में आ गया और मुझे वहीं खड़ी खड़ी देखती रही। कहानी ईशानी की जुबानी। बच्चों को सुलाकर मैं राहुल को ढूंढने निकल गई थी। पूरे दिन तो वह ठीक था, पर जैसे ही मैं सोहन से बात करने गई, वापस आकर देखा उसके और नीलम के बीच में जाने क्या बात हुई थी। उसका मूड बहुत उखड़ा हुआ था। मुझे उससे बात करनी थी कि आखिर क्या हुआ। मैं उसके कमरे के बाहर उसका दरवाजा खटखटाने लगी। मैं बार बार नॉक कर रही थी कि तभी राहुल ने दरवाजा खोल दिया। उसके अधनंगे जिस्म को देखकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मैंने उसके नीली आंखों में देखा, जो कि अभी थकी हुई थी पर काफी खूबसूरत थी। पानी की टपकती बूंदे मुझे परेशान कर रही थी, तो मैंने अपनी नजर ऊपर उठाई। उसके बालों से पानी गिरता हुआ उसके गले में होता हुआ सीने में आ रहा था। उसके एब्स मेरे सामने खुले थे। मेरा चेहरा बिल्कुल लाल हो गया। जब मैंने और नीचे देखा, उसने अपने निचले हिस्से को एक टॉवल से ढक रखा था। वह भी अपने हाथ से पकड़ा हुआ था ताकि खुल न जाए। सुनाई दिया, उसने कहा, ईशानी। मैंने अपना मुंह खोला पर आवाज नहीं निकली। मेरे गाल से गर्मी निकल रही थी। मेरे शरीर पर मेरा काबू नहीं था। मुझे हैरत इस बात की हुई कि राहुल मुझे इस हाल में देखकर कुछ क्यों नहीं बोला।
उसने मेरे लाल गालों को देखा और हाथ पकड़कर कमरे के अंदर ले आया। कहने लगा, ईशानी कुछ हुआ है क्या? तुम इस तरह से दरवाजा क्यों खटखटा रही थी? सब ठीक तो है ना? मैं सोचने लगी, ऐसी सिचुएशन में उसके कमरे में आई ही क्यों? यहाँ मुझे शर्मिंदा होना पड़ रहा है। मेरे लाल गाल को देखता हुआ अचानक उसने मुझे अपने करीब खींच लिया। मेरे कानों में फुसफुसाया, तुमने इससे पहले किसी मर्द को बिन कपड़ों के नहीं देखा क्या? मेरी रीढ़ की हड्डी में जैसे करंट सा पास हुआ। और क्या, मैं उसी हाल में उसे देखने लगी कहीं नहीं? वह मेरे इतने करीब आ गया कि उसका सीना मेरे शरीर को छू रहा था। मैं पीछे हट गई और सीधे दीवार से टकराई। वो मेरे पास आ गया और चुनौती देकर कहने लगा, क्या कोई मर्द तुम्हारे इतने करीब आया है? मैंने कहा, हाँ शायद। यह सुनते ही उसने अपनी आंखें छोटी छोटी कर ली, गुस्से से मेरी और करीब आने लगा। हमारे बीच की दूरियां खत्म होने लगी। इस दुनिया में क्या हो रहा है? उसने कहा, क्या तुम्हारे नाजुक शरीर को उसने अपने मजबूत शरीर से महसूस किया है? मेरे दिल की धड़कन बेहद तेज हो गई थी, सांसें लेना भूल गई थी, मेरा पूरा बदन कांपने लगा। उसने दोबारा कहा, क्या कोई आदमी तुम्हें इतने करीब खींचा है, तुम्हें महसूस किया है? मेरे मुंह से आवाज निकलना ही बंद हो गया था क्योंकि मैं एकदम शॉक थी। उसने अपने हाथों से मेरे बालों को छुआ, हल्का सा खींचते हुए मेरे चेहरे के ऊपर उठाया, जवाब दो मुझे। मैं सोचने लगी, जाने इसे क्या हो गया है, क्यों इतने गुस्से में है? मैंने कहा, नहीं। सुनकर उसने राहत की सांस ली, लेकिन अभी हम एक दूसरे को देख रहे थे। उसकी नजर मेरे होंठों पर पड़ी जो कि बहुत ही सूख गई थी, और अगले ही पल मैंने महसूस किया वो मुझे किस कर रहा है। एक पल तो मैं कुछ न कर सकी, उसकी सांसों को महसूस करने लगी। अगले ही पल कहा, राहुल। तब उसे होश आया, पीछे हट गया, मुंह से निकला, ओ शिट, ईशानी मुझे माफ कर देना, यहाँ से जाओ प्लीज। मैं तुरंत दरवाजा खोलकर निकलकर चली आई थी। अगले दिन मैं यही सोच रही थी, कैसे उसके साथ नजरें मिलाऊंगी। लेकिन जब मैं ब्रेकफास्ट के टेबल में आई, मैं बिल्कुल शॉक्ड रह गई। राहुल एक लड़की के साथ बैठा हुआ था, उसके साथ मुस्कुरा रहा था। मैं वहां पर आकर बैठ गई। नीलम ने कहा, यह टीना है, राहुल की फ्रेंड। लड़की हद से ज्यादा खूबसूरत थी, उसने छोटे छोटे कपड़े पहने हुए थे। राहुल से कहने लगी, आज हमारे दोस्त के साथ घूमने का प्लान है, तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं चलते? दोनों को साथ देखकर मेरा दिल बिल्कुल बैठ गया था। राहुल ने कहा, दिन में बच्चों को वादा कर चुका हूँ, रात में तुम्हारे साथ चलता हूँ। मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरे दिल को निचोड़ लिया, जिससे मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया। दर्द से मेरा सीना फटने लगा था। 6 साल पहले अंजलि के लिए उसने मुझे ठुकराया था, और आज टीना के लिए मुझे दोबारा ठुकरा रहा है। मैं ही बेवकूफ थी जो कल रात राहुल को अपने इतने करीब आने दी। वह जानता है कि मैं उसे पसंद करती हूँ, और उसने दोबारा मुझे ना कर दिया। उस लड़की के साथ बाहर निकल गया था, और मेरी आंखों के कोने से आंसू की बूंद निकलने लगी, जिसे मैं हर हाल में हटा देना चाहती थी। तभी पीछे से एक हाथ मेरे कंधे में आया, वह नीलम थी। कहने लगी, क्यों ना आज रात हम भी आउटिंग करे, नाइट क्लब चले और कोई लड़का ढूंढ ले, बस एक रात के लिए। उसकी बात सुनकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया, लेकिन अभी मैं बहुत बुरे हाल में थी। मैं जानना चाहती थी आखिर मुझ में क्या कमी है कि लड़के मुझे रिजेक्ट कर देते हैं, या सिर्फ राहुल है जिसको मुझ में कमी नजर आती है। मैंने कहा, मेरे पास अच्छी ड्रेस नहीं है पार्टी के लिए। उसने अपनी एक ड्रेस निकाल कर मुझे दे दी। जब मैं उसे पहनकर आईने के सामने शक्ल देखी तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। नीलम कहने लगी, तुम बहुत हॉट लग रही हो, इतनी घबराने की जरूरत नहीं है, तुम चलो। मैंने अपना पर्स उठाया, उसके साथ रात में निकल गई थी। क्लब में आकर मुझे हैंडसम सा जवान लड़का नजर आया, जो कि बहुत लंबा था, मेरे साथ डांस करना चाहता था। हम दोनों साथ में डांस कर रहे थे, अचानक उसने मुझे कसकर पकड़ लिया, मुझे अपने करीब खींच लिया। कहने लगा, तुम बेहद खूबसूरत हो, आज रात क्या कर रही हो? ऐसी हालत में भी मैं राहुल को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाई थी। यह लड़का मुझे पहली बार मिल रहा था, पर इसे मैं खूबसूरत लगी हूँ, फिर राहुल की नजर में हमेशा ही बदसूरत क्यों रहती? मैंने सोचा, शायद राहुल को टीना टाइप की लड़कियां ही पसंद है। मैं इस नौजवान के साथ डांस में मस्त थी, तभी पीछे से आवाज आई, इसे हाथ मत लगाना।
गया। सामने का नजारा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। कहानी राहुल की जुबानी। मैं ईशानी से दूर रहना चाहता था और तभी मुझे टीना मिल गई थी। मैं उसे अपने करीब ले आया। यह लड़ाई मेरी खुद की थी। मैं आज टीना के साथ डिनर पर आ गया था, पर वह नाइट क्लब चलने की जिद करने लगी। हालांकि मैं पिछले 6 सालों से यहाँ नहीं आया, उसकी बात मानकर मैं आज यहाँ आ गया। तभी मेरी नजर काले कपड़े पहने बैकलेस लड़की पर पड़ी। किसी लड़के के साथ डांस कर रही थी। उस लड़की को देखकर मैं बेकाबू होने लगा। टीना को देखकर मेरा यह हाल नहीं हुआ था, जबकि वह पूरी रात इसकी कोशिश कर रही थी। कौन है यह लड़की जिसने मेरा ध्यान खींच लिया? मुझे अपना जवाब मिल गया जब वह लड़की थोड़ी सी मेरी ओर मुड़ी। यह देखते ही मैं गुस्से में आ गया। भीड़ को धकेलते हुए मैं उसके पास जाने लगा। वह लड़का उसे छू रहा था। मैं उसके पास जाकर कहा, इसे हाथ मत लगाना। लेकिन मुझे झटका तब लगा जब वह मुझे देखकर पीछे हट गई। उसके चेहरे में एक उदासी थी मैं 6 साल पहले देखी थी, जब मैं उसकी जगह पर उसकी बहन को चुना था। वह हार आज उसके चेहरे पर मुझे नजर आ रही थी। कहानी ईशानी की जुबानी। जैसे ही राहुल की आवाज सुनी मैं चौंक उठी। यह वही लड़का है जो मुझे बार बार रिजेक्ट करता है, पहले अंजलि के लिए फिर टीना के लिए। मैं उससे दूर होने लगी, जल्दी से वहां से निकलने लगी कि राहुल मेरे पीछे पीछे आ गया। कहने लगा, रुको, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। राहुल है कि मेरे दिल को बार बार तोड़ता है। मैं इससे अलग हो जाना चाहती थी। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, वह घसीटते हुए मुझे अपनी कार में लेकर आ गया। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन जब सुबह उठी तो मैं अपने बिस्तर पर थी। मुझे याद नहीं मैं कब सो गई थी। मैं अब एक पल भी यहाँ नहीं रुकना चाहती थी। मैं अपने घर वापस जाना चाहती थी। मैं जानती थी बच्चों का दिल टूट जाएगा। मैं उठकर जल्दी से अपना सामान पैक करने लगी, उसके बाद नहाने चली गई। लेकिन जब मैं नहाकर बाहर निकली मैं चौंक उठी। राहुल कमरे में था। मैंने अपने टॉवल को किसी तरीके से पकड़ लिया था कि खुल ना जाए। मैंने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे पास आ गया। इतना पास नहीं था कि मुझे छू सके। मेरे सूटकेस की ओर इशारा करके कहने लगा, यह क्या है, जवाब दो। और मेरे करीब आने लगा। डर के मारे मेरी हालत बेहद खराब थी। फिर से उसके सामने मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रहा था। यह वही इंसान है जिसने मुझे ठुकराया था। कहने लगा, 6 साल पहले तुम मुझे छोड़कर चली गई थी और आज फिर से जाने की तैयारी कर रही हो। आज चली गई तो कभी नहीं मिलोगी, जवाब दो मुझे। वो मेरे बेहद करीब आ गया। मैं बिल्कुल अपनी जगह पर जम गई, हिल नहीं पा रही थी। कहानी राहुल की जुबानी। वह दोबारा मुझे छोड़कर जाना चाहती थी, पर आज मैं उसे किसी भी हाल में जाने नहीं दूंगा। आखिर क्यों कर रही मेरे साथ ऐसा? आज अगर जरूरत पड़े तो मैं हमारे बीच की दीवार तोड़ दूंगा। मैं उसके करीब आने लगा। वो पीछे हटने लगी। मेरे लिए अच्छा था उसे फंसाने का, क्योंकि पीछे वह दीवार से टकराई थी। मुझे मौका मिल गया था। मैंने उसके होठों में अपने होंठ रख दिए। मैं उसके मुंह का स्वाद लेने लगा। दूसरे हाथ से उसके बालों को सहला रहा था और धीरे धीरे मेरे हाथ उसके मुलायम जिस्म को टटोल रहे थे। और तभी वह कांपने लगी, जिससे मैं और कड़क हो गया। मेरा मकसद उसे गुस्सा दिलाना था, ना कि खुद इसके पीछे दीवाना बनना। पर मेरे शरीर पर अब मेरा वस नहीं था। मैं उत्तेजित था। अगर मैं इससे ज्यादा उसके साथ ये करता रहा तो मैं जानता हूँ मैं उसके टॉवल को निकाल कर फेंक दूंगा। उसे पूरे तरीके से निर्वस्त्र करके उसे बिस्तर में पटक दूंगा और फिर अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा। कुछ ऐसा कर गुजरूंगा जिसके लिए मुझे बाद में अफसोस होगा। मैंने उसे करीब खींच लिया और जोर से किस करने लगा कि तभी उसने अपना हाथ मेरे सीने में रखा और मुझे पीछे धकेल दिया। अब मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया। मैंने एक कदम पीछे लिया ताकि मैं खुद पर फिर से काबू बना पाऊं। अब उसने कहा, तुमने मुझे छुआ कैसे? कैसे किस किया तुमने मुझे? कम से कम वह बोली तो जो मैं चाहता था। उसने कहा, तुम्हें एहसास भी है कि तुम जिसे किस कर रहे थे, मैं ईशानी हूँ, बदसूरत बहन, जिसे पहले तुमने अंजलि के लिए ठुकराया था। अभी तुम्हें टीना को किस करना चाहिए, ना कि मुझे। तुम 2 बार मुझे ठुकरा चुके हो। जब तुमने अपनी चॉइस बना ली तो मुझे जाने क्यों नहीं देते? बदसूरत बहन, यह क्या कह रही है? मैंने कहा, ईशानी, मैं तुम्हें ठुकरा नहीं रहा। उसने कहा, क्या? मैंने कहा, मैं तुम्हें ठुकरा नहीं रहा, बल्कि खुद को रोकने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं बेकाबू होकर तुम्हारे साथ कुछ गलत न करूँ। मैं जानता हूँ तुम कुमारी हो, मैं तुम्हारी इज्जत को तार तार नहीं करना चाहता। उसने कहा, तुम क्या कह रहे हो? मैंने कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो ईशानी, खबरदार जो अपने आप को दोबारा बदसूरत कहा। तुम्हें खुद नहीं पता तुम मेरे ऊपर क्या असर डालती हो। मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ ईशानी। जब मैं तुम्हें ठुकरा कर अंजलि से शादी की थी, उस वक्त अंजलि के लिए जो
प्यार था मेरे दिल में, मुझे कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ था। उसने कहा, कैसा एहसास? मैंने कहा, अंजलि ने मेरे दिल को कभी ऐसे सुकून नहीं पहुंचाई जैसे तुमने पहुंचाया है। न ही टीना के साथ मैंने वह खुशी कभी महसूस की। मुझे उनसे कभी जलन का एहसास नहीं हुआ, लेकिन अगर कोई तुम्हारे करीब आ जाए तो मेरा दिल जलने लगता है। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर पाता कि तुम्हें कोई हाथ भी लगाए। शायद अपनी माँ के कहने पर मैंने तुम्हें ठुकराकर अंजलि से शादी कर ली थी, और मैं एक अच्छा पति और एक अच्छा बाप भी साबित हुआ। अंजलि से मुझे प्यारे प्यारे बच्चे भी हासिल हुए, पर मैं तुम्हारे बारे में कभी सोचना बंद नहीं किया। न जाने कैसा एहसास है कि किसी और से ये प्यास बुझते ही नहीं। मैं अपने आप को तुमसे मिलने के लिए रोका था, क्योंकि मैं अंजलि का दिल नहीं तोड़ना चाहता था। लेकिन शायद वह भी समझ गई थी, जो रिश्ता मेरा और तुम्हारा था वह मेरा और अंजलि का कभी नहीं बन पाया था। मेरी बातें सुनकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने कहा, मैं पागल था जो मुझसे इतनी बड़ी भूल हो गई, और जब मुझे दोबारा मौका मिला है तो मैं उसे गंवाना नहीं चाहता। बस तुम मुझे छोड़कर दोबारा मत जाओ, मैं तुम्हें दोबारा नहीं खोज सकता ईशानी। यह कहकर मैंने उसे अपनी बाहों में ले लिया था। वो थोड़ी देर चुप रही, उसके बाद कहने लगी, मैं भी तुमसे बेहद प्यार करती हूँ राहुल। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, मैंने दोबारा से उसके होंठों को चूम लिया। मैं खुश था कि इससे अच्छी कोई मुझे मिल नहीं सकती थी, जो सिर्फ मुझसे ही नहीं बल्कि मेरे बच्चों से भी प्यार करे, मेरे परिवार को पूरा करे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ इस कहानी का पहला भाग आपने सुन लिया होगा, नहीं तो कमेंट सेक्शन में पहले भाग का लिंक मैं पिन कर दूंगी। और कहानी अच्छी लगी हो तो अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करना ना भूलें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।